Hey you guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So, अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ, जा रही हूँ मम्मी के घर बिकॉज अभी मम्मी और मुझे जाना है प्रीत विहार, कुछ बैंक से रिलेटेड काम है वो करने के लिए. उसके बाद आजकल ना बहुत सारे काम स्केड्यूल पड़े तो मुझे वो भी करना है. अपने घर आकर भी मुझे काम है थोड़ा बहुत. अगेन मुझे कैनरा बैंक जाना है प्रशांत के साथ, तो कोशिश करेंगे जल्दी से वहाँ से वापस आ जाएँ ताकि उसके बाद दूसरे बैंक भी जा सके. होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे. एंड काफ़ी गर्मी बढ़ गई है. पहले बीच में कल मौसम बारिश वाला हो रखा था, अच्छा वेदर था, लेकिन अभी अगेन बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है. सो नो इशूज़, हम लोग कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को. एंड राइट नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स प्रीत विहार. सो हम लोग ऑटो करेंगे पहले या फिर कैब, जैसे भी होगा पहले मम्मी के पास तो पहुँचूँ फटाफट से. आज प्रशांत घर पर ही है, वर्क फ्रॉम होम लिया है उसने बिकॉज उसकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी ढीली है, बट ठीक है चलो फटाफट चलते हैं. इस दोतू के कानों में से कुछ निकाला जा रहा है, खुजी. और मम्मी को देखो यार, ये हमेशा मेरे से ज्यादा अच्छी लगने लग जाती हैं. ये देखो, ये वही वाली ड्रेस है, क्या बोलते हैं इसको, भूल गई, काफ्तान. काफ्तान काफ्तान वाली ड्रेस मम्मी ने ली थी, वही है ये. झूठी, बर्थडे पे गिफ्ट करी थी. झूठी, अब मैं देखती हूं मेरे बर्थडे पे कौन क्या क्या गिफ्ट करता. तुमने जो मांगा है वही मिलेगा. सो गाइज, अभी हम बस इनकी हाय सुन लो पहले. हाय गाइज, इनको और मामी को बहुत मजा आता है हाय गाइज करने में. सो यस, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ऑटो का. गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि एसी में भी स्वेटिंग हो रही है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है दिल्ली में. तो जो लोग दिल्ली से बाहर हिल स्टेशन पे रह रहे हो ना भाई, जन्नत में रह रहे हो तुम लोग, और हम लोग पता नहीं कहाँ ही रह रहे हैं. बट ठीक है, अब तो बारिश का मौसम आ जाएगा, है ना, है ना छोटू, है ना छोटू. छोटू को देखो, हमारा छोटू भी गर्मी में रहता है बेचारा. सुबह सभी ऑटो का वेट कर रहे हैं, 10 मिनट्स दिखा रहा है, 10 मिनट में ऑटो आ जाएगा. तो हम कुकू को नीचे छोड़ के दादा दादी के पास सीधा चले जाएंगे स्वास्थ्य में. हाय कुकी, ए कुकी, देखो अपना खाना नहीं खाया इसने, मैं पराठा खा रही थी, मेरा पराठा खा लिया है. कुकी इधर आओ जल्दी आओ, फास्ट फास्ट फास्ट, मैं ले लेती हूँ, मैं ले लेती हूँ. देखो इसको खाना खिलाने के लिए लालच देना पड़ता है कि हम छीन लेंगे तब ये खाना खाती है. मैं ले लेती हूँ, चटर चटर. जैसे हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं एज यूजुअल, चाहे गाड़ी से जाओ चाहे ऑटो से, ट्रैफिक तो मिलना मैंडेटरी है दिल्ली में. रेड लाइट लगेगी जब भी ट्रैफिक होगा, जब भी जैम होगा, मुसीबत ही मुसीबत. और ऊपर से साथ में पेशेंट होगा, बेचारे पेशेंट को कैसे लेके जाना पड़ता है प्यार प्यार से. गाइस, बैंक का काम खत्म करने के बाद मैं और मम्मी लंच डेट के लिए चले गए थे सागर रत्ना. मेरी मॉम को साउथ इंडियन फूड बहुत ज्यादा पसंद है तो उन्होंने बोला कि सागर रत्ना चलते हैं. एंड चेक दी वाइब, कितना ज्यादा प्यारा सा रेस्टोरेंट है और खाना भी बहुत टेस्टी है. सारा काम हो गया है बैंक का और अभी हम लोग आए हैं खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए हम आए हैं सागर रत्ना. मम्मी को साउथ इंडियन फूड बहुत ज्यादा पसंद है, सेम प्रशांत की कैटेगरी में. सो हम यहीं पर आए हैं, पास में ही है और आराम से सारा काम हो गया. स्टाफ भी काफ़ी कॉर्डियल था तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई. अब बस ये है कि मम्मी ने ऑर्डर किया है प्लेन डोसा और मैंने इडली वड़ा, तो हम ये खाकर फिर सीधा ऑटो पकड़ के घर निकलेंगे बिकॉज उसके बाद मेरे दिन में आज और भी बहुत सारे काम स्केड्यूल्ड हैं, वो सब धीरे धीरे करके पूरे करना है. मम्मी पता नहीं क्या अपलम झपलम देख रही हैं, ये अपलम पपलम तो मुझे पता भी नहीं होता क्या है खाने का. पापड़ कह रही है, अपलम का मतलब पापड़, और नहीं हुआ तो यहाँ साउथ इंडियन वाली पब्लिक बदल जाएगी. अरे लिखा है उसमें अपलम पापड़. तो गाइज, इन्होंने मुझे आज दिलाया है 100 रुपए का कुछ. क्या दिलाया है? लाफिंग बुद्धा दिलाया है, जो बाहर 250 रुपए का मिलता है उससे लड़ लड़ा के इन्होंने 100 रुपए का खरीद लिया रेड लाइट पे. सही बात है, मम्मियों का काम ही ये होता है ना. अब बोल रही है प्रशांत के लिए पैक करा ले, वो खाएगा नहीं ठंडा और सौगी खाना मुझे सुनाएगा, इसलिए मैं नहीं लेके जा रही हूँ उसके लिए कुछ भी. और यहाँ पे मोहितो को लिखा है नोजितो कुल्फी गड़बड़ संडे, कौन खाएगा गड़बड़ संडे. तो हमने ऑर्डर किया इडली वड़ा एंड साथ में सांबर और चटनी थी और एक प्लेन डोसा जो की बहुत बहुत ही ज्यादा टेस्टी था. गाइस मोटी मोटी खा पी के आई है, डोसा और पान भी चुरा के लेके आई है. दो तो छीन के खा जाएगी, देख लो गाइस. और गाइस फिर पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े घर की ओर बिकॉज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था. सो गाइस आई एम बैक और इसकी चू चपट चालू हो गई है. मैंने बस आके फटाफट से कपड़े चेंज किए क्योंकि बहुत 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 ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी बाहर. आजकल ना बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, इनकी तरह थोड़ी कि मुफ्त का एसी चलाओ और मौज काटो. मुफ्त का एसी
क्यों नहीं है? ये मुफ्त का ऐसी है। हाँ? कैसे? मतलब क्या तू मुझे पाल रहा है? देख पब्लिकली ऐसी बात नहीं किया जाता, तेरी इंसल्ट होगी। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, इंसल्ट तो तब होगी तेरे सामने। हाँ दुनिया के आगे मेरी बहुत इज्जत है अगर किसी ने कुछ फालतू बोला। इसको देखो ये बालों की हालत तो देख लो जरा, मजदूरी कराते हैं एडवेंटर्स वाले तुझसे सच में। ये देखो गाइस ये देखो, मैं बहुत अर्जेंट काम कर रहा हूँ, मुझे काम करना है। कर ले अभी शाम तक यही काम करता रहेगा ऑफिस का, उसके बाद जाकर कहीं बाकी मेरे काम करवाएगा। अभी इन्वर्टर की ना बैटरी वाला आ रहा है, जरा दिखा दे उसको, काम की नहीं है तो बेच दे। आजकल मेरा एक ही स्लोगन चल रहा है, बेच दे, और इसकी हालत खराब है सुन सुन के। किसी दिन ये मुझे बेच देगी, बोलेगी तू बिक गया। बोली लगाओ। दो रुपए। हाय हाय इतनी कम कीमत लगा रहा है तू अपनी। दस का। दो तो है भी नहीं, दो तो। कभी ऐसा प्राणी देखा है जो लैपटॉप को इस प्रकार यूज करे? अभी मैं जस्ट बैठ के यही देख रही थी कि पहले मुझे लगा कि ये सीधा कर लेगा इसे, लेकिन ना जी, इनकी हालत देखो, ऐसे कौन यूज करता। हाँ क्या, ईद मुबारक। सो गाइस ईद मुबारक, और ये देखो जरा ऐसे आप भी यूज करके देखो, ऐसे मुझे लग रहा है हारमोनियम बजा रहा है। बकवास बंद कर और ये बता कि तूने चाय लगाई या नहीं, बता। नहीं लगाई, ठीक है, अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, आलू पराठे के जो सपने हैं ना वो भूल जाओ। गाइस चलो इसको तो ये हरकतें करने देते हैं, मैं आपको वो बुद्धा दिखाती हूँ जो मम्मी ने मुझे दिलाए थे। सो गाइस ये हैं वो क्यूट से लाफिंग बुद्धास जो मम्मी ने मुझे दिलाए थे, 1, 2, 3 और 4, एंड सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज के ये मिल गए बाहर, वरना लिटरली मैंने ऑनलाइन देखा, हर जगह देखा, कहीं पे भी 200 से कम तो मिल ही नहीं रहे थे। और ये कितने क्यूटी से है ना, मुझे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, और मेरा बहुत कार में अच्छा, मेरा बहुत टाइम से मन था इन्हें लेने का, बट ये मुझे रीजनेबल प्राइस पे कहीं नहीं मिल रहे थे यार। कभी कभी होता है ना कोई चीज लेने का मन होता है लेकिन अगर रीजनेबल प्राइस पे ना मिले और आपको पता हो कि वो चीज उतने की नहीं है तो मन नहीं करता उसको खरीदने का, मतलब ले नहीं पाते आप चाह के भी। सो वही रीजन था कि मैंने भी अभी तक इन्हें लिया नहीं था। मैं सोच रही थी कि कहीं से ठीक ठाक प्राइस पे ये मुझे मिल जाएगा ना तो मैं लूंगी, और लिटरली ये मुझे ठीक ठाक प्राइस पे मिल गया। तभी मैं कहती हूँ मैनिफेस्टेशन किया करो, किसी भी कोई भी चीज के लिए ना बार बार सोचा करो कि ये हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव तो हो जाएगा तुम्हारे साथ भी। फिलहाल चाय की चुस्कियाँ लेते हैं बिकॉज नोनू बना रहा है चाय, पीछे दिख रहा है उधर सोने में, तो आज चाय पीते हैं उसके बाद बाकी का काम करेंगे। सो यहाँ बन रही है गर्मा गर्म चाय और वहाँ धुल रहे हैं बर्तन। ये मेरा बच्चा सब कुछ करता है घर का काम, ऐसा पति किस किस को चाहिए, ठोको लाइक। सब उठा देंगे हाथ, जिनकी शादी हो गई है चाहे नहीं हुई है सब बोलेंगे हमें भी चाहिए। ऐसे ना गलत फहमी मत रहो, ये सारे भांडे ना मैं ही मांजूंगी, ये सिर्फ अपना ये चाय का बर्तन धो रहा है, और वो भी मैं बताती हूँ रीजन, अभी देखना क्या करेगा। इसलिए नहीं कि बर्तन धोने हैं, अभी इस चाय पत्ती का दिखाऊंगी क्या करेगा, तो अपना मतलब है इसलिए धुलाई हो रही है यहाँ पे, है ना नोनू? बोल सच, ये जो तुम मासूम चेहरा लेके खड़ा है कि हाँ मैं तेरी तारीफें कर रही हूँ, अभी मैं दिखा दूंगी ऑडियंस को कि ये चाय पत्ती का तू करेगा क्या। कोई तो बीवी की मदद नहीं कर रहा है यहाँ पे, देखो मैं साथ साथ लेके चलती हूँ, देखा मैं साथ साथ लेके चलती हूँ, देखना इसको मतलब ही को। ये मेरे लिए नहीं धुले हैं, ये इसलिए धुल रहे थे क्योंकि इनको इसको अपने पौधों से प्यार है ना। रोज में कहते हैं कि अगर आप चाय पत्ती डालोगे तो क्या होता है नोनू, अच्छी ग्रोथ। सो ये यहीं पे वही हरकत हो रही है, यहाँ पे। और ये देखो दो तुके कारपेट अभी तक यही पड़े, गिफ्ट करनी थी, शर्म आती है। बेचारी मम्मी उनको बर्थडे पे यही दे देते हैं। अरे यार दो तो, इसके पीछे पीछे घूमने में इतना मजा आता है, वो भी कैमरा लेके स्पेशली। दोनों यार चाय बनाओ, चाय गरम। सो यार अब मैं तो चाय पीऊंगी और उसके बाद मुझे बहुत इम्पोर्टेंट वाला काम है। सो अभी मैं इस ब्लॉग को फिलहाल के लिए यहीं पे एंड करूंगी, और तुम लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, शेयर कर दो चैनल को, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कर दो यार, बिकॉज तुम ऐसे क्यों करते हो कि वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते वीडियो को जबकि वीडियो देखते हो, तो
प्लीज यार अपना थोड़ा सा प्यार बरसा लो चैनल पर भी। इसको कब ग्रो करोगे? और चाहिए ना हमें ग्रोथ चैनल को और बेटर बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दो अगर न्यू हो तो, और अगर पुरानी फैमिली का पार्ट हो तो फटाफट से लाइक करो। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग या न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो। बाय।